नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित तिवारी है और इंडिया हॉट टॉपिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शंस पास आ रहे हैं और सारे पार्टियों का जोश भी बढ़ता जा रहा है और सब अपने कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने 25 जनवरी को अपने इलेक्शन रैली में कहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। चलिए देखिए इस वीडियो में। बच्चों को आप घर से निकलने नहीं दोगे, बहू बेटियों को निकलने नहीं दोगे, क्योंकि ये इस देश में हो चुका है। ये कश्मीर में हिंदू शरणार्थियों के साथ में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उनके साथ हो चुका है। आज भी हमें ये घटना सुनाई देती है कि किसी हिंदू लड़की को कोई मुसलमान उठाकर ले गया, मगर कोई उसका बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश। तो इसे देखकर लोग काफी क्रोधित हुए और सड़क पर आ गए विरोध करने के लिए। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि लोग अपनी बात कैसे बीजेपी तक पहुंचाना चाहते हैं। वी आर जनरली कॉमन पब्लिक और हम नहीं चाहते जो आजकल एक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश में जो चल रहा है कि कोई अच्छा काम कर रहा आप उसको आतंकवादी कह दोगे। वो स्कूल के अच्छे काम कर रहा है, मेडिकल के लिए अच्छे काम कर रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहा है, बिजली पानी बाकी सभी राज्यों से सस्ती दे रहा है, पानी मुफ्त दे रहा है, 200 यूनिट मुफ्त दे रहा है, 400 यूनिट पे सब्सिडी है, मेडिकल का इतना ध्यान रखा जा रहा है। और आज देखिए कि कोई भी देशवासी अगर दिल्ली में NCR में कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जो उठा के ले जाएगा उसको पैसे मिलेंगे, उसको 2-2.5 हज़ार रुपया मिलता है और उसके बाद उसको फरिश्ता का टाइटल दिया जाता है। और उस इंजर्ड की जितनी भी उसका पैसा लगेगा, जो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो नियर बाई है उसमें उसको एडमिट कराया, या गंगाराम है, या कोई भी नर्सिंग होम है उसमें एडमिट अगर उसे कराते हैं, तो सारा पैसा उसका जो ये जो केजरीवाल सरकार वो दे रही है। उसके बावजूद, इतने अच्छे काम करने के बावजूद आप उसे आतंकवादी कह रहे हैं। देयर इज़ नो इश्यू ऑफ सच टाइप कि उसने कौन सा गलत काम किया है। पब्लिक के, अगर पब्लिक की भलाई करना उसे आप आतंकवादी कहते हो तो ये कहाँ की इंसानियत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, लोग बहुत ही क्रोधित हैं। और इसके बाद हम पहुंचे उत्तम नगर के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। वहाँ हमारी बातचीत एक वहाँ के कार्यकर्ता से हुई, तो चलिए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हर एक पार्टी किसी को क्रिमिनल कहती है तो इसके पास कोई सबूत तो है कि केजरीवाल जी कहाँ से क्रिमिनल है। आप ये बताइए, एक IAS अफसर थे, है उनकी भाषा में ऐसा नहीं है। जबकि हम कहना नहीं चाहते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी को नक्सलवादी, किसी को DNA ख़राब है, ऐसे शब्द लेते हैं तो इनसे क्या बात की जाए। हम अपने काम में लगे हुए, 5 साल हमने अच्छा काम किया तो पार्टी, जनता हमारे साथ है। तो आपको नहीं लगता ये जो बयानबाजी हो रही है अपोजिशन की तरफ से, इस पे भी थोड़ा चुनाव पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। जनता बहुत ज्ञानी है, जनता बहुत ज्ञानी है। ये तो क्या जनता, दिल्ली की जनता बहुत ज्ञानी है। और ये जो बकवास की जा रही है तो लोगों को गुमराह करने के लिए, कहीं से लेबर उठा ली, किसी से कुछ करवा के, किसी से कहलवा दी, किसी के मुँह से जीविका कुछ लगता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी बोलूँ उससे क्या होगा? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट दिल्ली की जनता को पता चल रहा है, गरीब जनता को पता चल रहा है, दिल्ली के किसानों को पता चल रहा है, दिल्ली के बेरोजगारों को पता चल रहा है, ऑल इंडिया के बेरोजगारों को पता चल रहा है। तो आपका कहना है कि ये सब बयानबाजी से दिल्ली के चुनाव पे कोई असर नहीं हुआ? आप बताइए, ऐसा करा क्या आतंकवादी घटना हुई दिल्ली के अंदर जो कि केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा जा रहा है? कोई घटना हुई आपकी नज़र में है क्या ऐसी घटना, आतंकवादी घटना? घटना हुई उनके ज़माने में, भाजपा के ज़माने में हुई, कांग्रेस के ज़माने में हुई, क्या वो केजरीवाल के ज़माने में क्या आतंकवादी घटना हुई जिससे जनता गुमराह कर देंगे? बताइए, जनता बेवकूफ़ है क्या? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सारे पार्टीज एक दूसरे पर निशाना साध रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। चाहे नतीजा जो कुछ भी हो, 11 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 8 तारीख को जाके वोट ज़रूर दें। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि और किन किन चीजों पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हर एक वीडियो का मजा लीजिए।